यूज़ ऑफ अबाउट, इसका प्रयोग तुरंत हो जाने के अर्थ में किया जा सकता है, जैसे वे लोग आने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू कम। मैं खाना ख़त्म करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू फिनिश द डिनर। इसका प्रयोग किसी के बारे में जैसा अर्थ बताने के लिए भी करते हैं, जैसे मैं अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर्स हेल्थ। यहाँ पर अबाउट का मतलब के बारे में है। यूज़ ऑफ अबव, एकदम ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे चिड़िया आकाश में काफ़ी ऊपर उड़ रही है, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव इन द स्काई। संख्या की अधिकता बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे उसके काम का अनुभव उसकी आमदनी से ज़्यादा है, हिज वर्किंग एक्सपीरियंस इज अबव हिज अर्निंग। यूज़ ऑफ बिहाइंड, किसी चीज़ के पीछे का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हिज सन इज बिहाइंड द वॉल, उसका बेटा दीवार के पीछे है। यूज़ ऑफ इन, इसका प्रयोग किसी के अंदर, जैसे किसी बड़े स्थान, राज्य, किसी कमरे, किसी बर्तन या देश के अंदर आदि बात को बताने के लिए किया जाता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। पिंकी कमरे में है, पिंकी इज़ इन द रूम। पानी गिलास में है, वाटर इज़ इन द ग्लास। संदीप अस्पताल में काम करता है, संदीप वर्क्स इन द हॉस्पिटल। ये सब किसी न किसी चीज़ के अंदर हैं। यूज़ ऑफ फ्रॉम, इसका सामान्य अर्थ होता है से, और यह किसी से अलग होने को बताता है, जैसे अमरूद पेड़ से गिरा है, द ग्वावा हैज़ फॉलन फ्रॉम द ट्री। मैं दिल्ली से आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। यह गद्यांश रामायण से लिया गया है, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द रामायण। यह हार सोने का है, दिस नेकलेस इज मेड फ्रॉम गोल्ड। यूज ऑफ टू, कोई वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाए तो सामान्यतः इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है, जैसे मैंने उसे एक संदेश भेजा, आई सेंट ए मैसेज टू हर। मिस्टर गुप्ता प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं, मिस्टर गुप्ता गोज टू ऑफिस डेली। मैं ग्वालियर जाऊंगा, आई विल गो टू ग्वालियर। यूज़ ऑफ इन टू, किसी का रूप बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसलेट हिंदी इन टू इंग्लिश, हिंदी को अंग्रेजी में बदलो। मिल्क टर्न्स इन टू कर्ड, दूध दही में बदल जाता है। किसी चीज़ के अंदर जैसा अर्थ बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे द फ्रॉग जंप्ड इन टू द वेल, मेंढक कुएं में कूद पड़ा। मोहन वेंट इन टू द शॉप, मोहन दुकान में चला गया। यहाँ पर किसी के अंदर जाने के लिए इन टू का प्रयोग किया गया है। यूज ऑफ विथ, से के जैसा अर्थ प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सी राइट्स विद ए पेन, वह कलम से लिखती है। के साथ के जैसा अर्थ प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आई वेंट टू दिल्ली विथ माई सन, मैं अपने पुत्र के साथ दिल्ली गया। कभी कभी इसका प्रयोग अलगाव जैसा अर्थ प्रकट करने के लिए करते हैं, जैसे माधुरी पार्टेड विद हर हस्बैंड एट दिल्ली स्टेशन, माधुरी दिल्ली स्टेशन पर अपने पति से अलग हो गई। यहाँ पर अलग होना बताया गया है, तब भी विद का प्रयोग किया गया है। सहमति या विरोध प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। यहाँ पर सहमति के लिए विद का प्रयोग किया है। यूज़ ऑफ बाय, के द्वारा के जैसा अर्थ बताने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस वर्क इज़ फिनिश्ड बाय मी, यह काम मेरे द्वारा पूरा किया गया। दिस बुक इज़ रिटन बाय मी, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। समाप्त होने वाले समय को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आई विल रिटर्न बाय इवनिंग, मैं शाम तक लौटूंगा। यातायात या संचार साधन दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आई ट्रेवल बाय बस, मैं बस द्वारा यात्रा करता हूँ। ही सेंड्स लेटर बाय पोस्ट, वह डाक द्वारा पत्रों को भेजता है। वैसे यहाँ पर के द्वारा का अर्थ भी बाय के द्वारा बताया गया है।
यूज़ ऑफ एट छोटी जगह जैसे गांव, कॉलोनी, कोई कस्बा, मोहल्ला आदि के नाम से पहले एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई लिव एट मोरैना, मैं मोरैना में रहता हूँ। ही वाज बॉर्न एट ग्वालियर, वह ग्वालियर में जन्मा था। तो यहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया है छोटी जगह से पहले। समय सूचक शब्दों से पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे एट डाउन उषाकाल, एट नून दोपहर का समय, एट नाइट रात का समय। इसके अलावा और भी कई सारे समय हैं, जैसे कि एट 10 o'clock, तो उससे पहले भी एट लगाया जाता है। कीमत, दर आदि शब्दों से पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंगोज आर सेलिंग एट ₹40 पर केजी, आम ₹40 प्रति किलो बिक रहा है। तो यहाँ पर हमने एट का प्रयोग भी किया है किसी भी कीमत से पहले।